1200 किलो गांजा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1200 किलो गांजा नागपुर पुलिस ने आग में खाक कर दिया है। दरअसल नागपुर पुलिस ऑपरेशन नार्को में जुटी हुई है। ऐसे में नागपुर पुलिस ने 1200 किलो गांजा नष्ट कर पूरे सप्ताह भर में कुल 2700 किलो गांजा नष्ट करने का संकल्प लिया है। नागपुर पुलिस ने जब्त किए ड्रग्स को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नागपुर के भांडेवड़ी स्थित सुपर हाइजीनिक डिस्पोजल प्लांट बिड़गांव रोड पर डंपिंग यार्ड में 1200 किलो गांजा भट्टी में जलाकर नष्ट कर दिया गया। ये गांजा 4-5 माह पहले पार्डी स्थित क्षेत्र में NDPS के दस्ते ने पकड़ा था। पिछले कुछ माह में NDPS के दस्ते ने करीब 2700 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किया है, जिसमें से 1200 किलो गांजा जलाकर नष्ट कर दिया गया है। वहीं बचा हुआ 1500 किलोग्राम गांजा एक सप्ताह के अंदर भंडेवाड़ी की उसी भट्टी में जलाकर नष्ट किया जाएगा। वहीं 2700 किलोग्राम के इस गांजे की कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। वहीं गांजे की तस्करी में गिरफ्तार 1300 लोगों की शहर पुलिस निगरानी कर रही है। उन सभी का डोजियर तैयार किया गया है। पुलिस निरंतर उनके घर इलाकों में दबिश देगी। ड्रग्स विक्रेता किससे मिलते हैं और क्या करते हैं, इसकी जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच की NDPS सेल को रखनी होगी। फिलहाल हर छोटे बड़े ड्रग पेडलर पर नागपुर पुलिस शिकंजा कसती नजर आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।